तेरे को और नया दिन ने को नई गाड़ी ये है भाई अपनी लंदन जाने वाली स्कॉर्पियो एन का Z8L। और आज भाई इस गाड़ी पे ना कुछ खुराफाती आइडियाज एग्जीक्यूट होने वाले हैं। मतलब ऐसे दिमाग में ना कुछ सीधी उल्टी सीधी चीजें आ रही है गाड़ी को लेके कि ये करवाते हैं वो करवाते हैं, और जिससे लंदन ट्रिप अपनी काफी मजेदार सी बन जाएगी। तो लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ क्या क्या है वो और मस्त गाड़ी को बनाते हैं, ठीक है। तो अभी भाई गाड़ी का जो सेकंड रो है ना, इसके लिए गद्दे बनवाने आए। डब्बे तो बन चुके थे, आपको पता ही होगा करोल बाग वाली वीडियो में देख लिया होगा, बट अभी हमें ना ये गद्दा चाहिए कि ये जो ढलान है ना ये खत्म हो सके, बिल्कुल स्ट्रेट गद्दा आए ऐसे और आराम से सो सके। ये भैया जिन्होंने हमारे ऑफिस का काम भी किया था गुड़गांव में ही है अपने, मैंने कहा इन्हीं से बनवा लेते हैं। और भैया ये ना बीच में कट चाहिए जितना ये एसी वेंट ना छुपे। हाँ, एसी की हवा आनी चाहिए, एसी ना कटे, ठीक है ना। या तो ये भी कट देना, ये भी दे दो बीच में, पूरा नहीं आएगा पूरा, तो इतने में देख लो आएगा ना एसी की हवा पूरी, और ये ढलान बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ, पूरा ही कंप्लीट एंड टू एंड ले लो। इसमें कुछ लगाओ ना, गद्दी वद्दी लगाओ, फोम के पीस लगा। हाँ हाँ, लेवल मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल प्लेन गद्दा लगे। तीन इंच ही बहुत है, 36 करोगे या 3.5 कितनी? हाँ तो आप देख लो जितना भी बने, मैं तो ये 2 इंच ही है अपना, ये 2 इंच है। तो अब इसको कैसे काटोगे फिर यहाँ पे, क्या एसी आएगी ना हवा? बस ठीक है, 2 इंच ही आप यहाँ रख रहे हो, फिर यहाँ एक्स्ट्रा कितना बनेगा? 3-3.5 बन जाएगा ये तो, यहाँ पे 3.5 अब है। हाँ, 4.5 बैठेगा यहाँ से, और ये 5.5 आएगा ना। हाँ, तो बिल्कुल अब फिर ये ढलान भी कवर होती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये 2 इंच ही, समझ गया। और ऐसा कुछ इसमें कुछ फोल्डिंग वाला भी बन सकता है? नहीं, जैसे इसको हटा के पीछे रखना हो फोल्ड करके, हो जाएगा इतना फोल्ड आराम से, पक्की बात है। और इस पे लगाएंगे क्या, कपड़ा या क्या? वैक्सीन तो गर्म होगा मेरे ख्याल, कपड़ा ही सही है ना। ये ले लो, नाप ले लो, प्राइस की बात करते हैं पूरा कितना। ये इस वाले तक ले लो, डब्बे तक ही मेरे ख्याल तो पूरा ही है, दरवाजा बंद होने में दिक्कत ना हो। 56 आ रहा है, ठीक है, 55 ले लो। या सीट जितना ले लो, मैं तो कह रहा हूँ जितनी सीट है ना, सीट टच टू टच ले लो बस, और एक्स्ट्रा मत करो। चलो भाई चलो, 4,500 रुपए का भैया ने खर्चा हो गया है, 6,000 बोले थे भैया ने, बट मैंने बार्गेन करके 3.5 बोला, करते करते 4.5 में फाइनल हुई है। एंड अच्छी बात यह है कि कल रात को या परसों सुबह मिल जाएगी, तो डिले नहीं होगा काम में। अभी ना एक और भाई खुराफाती दिमाग में ना आइडिया सा आ रहा है, तो मैं ले आया हूँ यहाँ पे। ये कारपेंटर भैया है और प्लाईवुड की दुकान वगैरह, यहाँ बताता हूँ मैंने क्या करवाना है, अलग सा कुछ मस्त सा सीन हो जाएगा। तो अपनी जो स्कॉर्पियो एन की डिक्की है ना भाई, वो ना थोड़ी सीट हटाने के बाद उबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं पे नीचे है कहीं पे ऊपर है। पहले मैं सामान हटाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, इस चीज की बात कर रहा था, ये चीज ना काफी नीचे है एंड सीट जो लगी हुई थी ना वो ऊपर थी। तो मैं सोच रहा हूँ एक ना लकड़ी का कुछ पैनल बनवा लिया जाए, जिससे ना ये वाला हिस्सा पूरा प्लेन कर दिया जाए, एंड जो नीचे की स्टोरेज है ना वो कुछ दराज टाइप की बन जाए, कि हम उसमें अपने बर्तन वर्तन सामान रख ले रस्ते में कैंपिंग के लिए। तो ऐसा कुछ जुगाड़ की प्लानिंग तो चल रही है। अब देखो भैया क्या बना देते, बना दोगे भैया ढंग से? हो जाएगा। हाइट ना ज्यादा ऊंची नहीं रखनी कि लगेज की दिक्कत हो जाए, बस इतना ही बेस बनवाना है कि एक तो फ्लैट हो जाए पूरा। नाप लो, बाहर निकालना ना। हाँ, बाहर निकालना। और ये पूरा प्लेटफॉर्म फ्लैट बन जाए फिर एक बार। ये पहले तो ये बताओ हाइट कितनी ले जाओगे प्लेटफॉर्म? हाइट इतनी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, पहली बार ही हर चीज होती है, पहली बार करने को कुछ भी हो सकता है। 1 फुट का बहुत रहेगा। कहाँ तक ऊपर, कहाँ तक आएगा? ना ना, इतना थोड़ी, बहुत कम लेना है वरना तो लगेज ही नहीं आ पाएगा हमारा। ये आप समझ लो इसके बेस पे लो बस, 7 इंच भाई। ये यहाँ तक ये फ्लैट बंद हो जाए, इसके ऊपर हम लगेज छूस लेंगे अपना, क्या ना इससे ऊपर ना जाए बस, क्योंकि तो फिर वहाँ स्पीकर भी है ना, स्पीकर बंद हो जाएगा। ये ना ये आगे से है ना शॉर्ट है। अच्छा, तो ये देखो वो तो कारीगर करता है, आप इसको करवा लेना, इसको बिठाना है। क्या चीज? पूरा पीछे से प्लेन बनेगा। अच्छा, ये बॉक्स हटेगा? हाँ, ये तो फ्रिज है, इसके ऊपर आ जाएगा ना फ्रिज। हमें ये प्लेटफॉर्म पूरा प्लेन चाहिए। चलो भाई, साइज वाइज सब दे दिया है, और इनकी भी यही अच्छी बात है कि हमें परसों, मैंने बोला परसों दोपहर तक चाहिए, बट भैया कह रहे कल रात को ही ले लेना भले ही। मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम पे चीजें मिलनी चाहिए, भले ही 200-400 रुपए ऊपर देने पड़ जाए, बट काम होना चाहिए टाइम पे। जो दो चीजें मेरे दिमाग में खुराफाती चल रही थी, वो दोनों के ही ऑर्डर दे दिए। अब लेट्स सी वो जब लगने के बाद कैसे लगेंगे। तो भाई ये बॉक्स बन चुका है, एक अपना पार्टीशन बना है कुछ इस तरह से, यूं खुल जाएगा, इसके अंदर हमारी टूल किट वगैरह आ जाएगी, और ये सामने की तरफ से जो है इस तरह का स्लाइडिंग निकलेगा, इसके अंदर हम अभी पार्टीशन करवा के अपना बर्तन वर्तन चम्मच वगैरह रस्ते के लिए रख लेंगे। तो अभी थोड़ा गाड़ी में रख के देखते हैं फिट आ रहे हैं नहीं, बाकी जो फिनिशिंग अभी होनी है तो कल ही लगेगा मेन। तो मेन अभी चेक कर लेते हैं कि जो गाड़ी का एरिया उसमें पूरा फिट आ रहे हैं नहीं। हाँ जी, हाँ लंदन जा रही है गाड़ी, 21 या 22 अप्रैल को निकलेंगे। सही लग रही है गाड़ी, बढ़िया। तो ये देखो भाई, इस तरह से ये फिट आ गया है। अभी ये जो नीचे का एरिया है ना ये बच रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या जुगाड़ होएगा, बाकी ये पूरा फिट आ गया है।
और ये वाला ऐसे खुलेगा, कुछ भी सामान रखना हो। एंड ये वाला अपना ऐसे स्लाइड होएगा बाहर की तरफ, और मेन है इसके ऊपर हमारा सारे लगेज आ जाएगा क्योंकि अब सरफेस पूरा फ्लैट हो गया हमारा। चलो भाई, तो जो जो चेंजेस थे थोड़े बहुत वो मैंने भैया को बता दिया, अब कल दोपहर या कल शाम तक अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा भाई कैसी लग रही है अपनी स्कॉर्पियो वैन। अंदर से पूरी कैंपर वैन वाली फीलिंग आने वाली है इसमें। अभी हम बाहर ना गैस स्टोव और सिलेंडर कैरी नहीं कर सकते, तो वो भी मैं लगवाऊंगा, बट इंडिया आके लगवाऊंगा ताकि इंडिया में कहीं ट्रैवल करना हो गैस वैस लगा सके। तो भाई ये जो गद्दा था ना, ये भी कल मिलने वाला था बट आज ही बन गया। मैंने सोचा पूछता जाता हूँ, तो देखा तो सही में बना हुआ था। और ये एसी के लिए कटआउट छोड़ रखा है, बाकी एक बार गाड़ी पे लगा के देखते अच्छे से फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ भी फिर चेंजेस वेंजेस होंगे तो उस हिसाब से करवाएंगे। सारा सामान पहले पीछे करना पड़ेगा, एक मिनट आने दो भैया आने दो। ये लो जी, लेट्स गो। मेन तो देखना ढलान जो है ना वो कवर होनी चाहिए अच्छे से भाई, ढलान आई तो फिर दिक्कत है। ये लो भाई, यहाँ तो आ नहीं रहा सपोर्ट, ये ज्यादा कर दिया मुझे लग रहा है। ये देखो ना, ये तो आया नहीं, या ये मोटा नहीं करा। ये 2 इंची है, हाँ, 2 इंची नहीं आया ना पूरा। ये देखो ढलान बन रही है, देखो ये चीज, या तो ये ज्यादा ऊंची हुई है या ये ज्यादा नीची हो गई। यहाँ पे हल्का सा देना पड़ेगा डबल। ये देखो 2-4 इंच 3 इंची लगेगी मेरे ख्याल। ये इतना गैप है अभी भी, देख लो जहाँ सही लगे वहाँ पे दे दो। प्लांट ऐसे जा रही है ना तो लेटा तो जाएगा नहीं ढंग से। ये तो सीट यूज हो पा रही है समझ लो बस। ये देखो यहाँ तो कोई हो ही नहीं पाएगा, ये नीचे जा रही है। इसको थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। एसी वेंट तो सही कट गया, हवा आएगी प्रॉपर। ये देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत लग रही है। कैसे करे, यहाँ से ही जा रहा है ना। ये देखो है पूरा, ये बिल्कुल नाप लो एग्जैक्ट कितना करना है, कहीं ऊपर ज्यादा ना हो जाए। फिर इस गद्दे में ना मुझे थोड़ा हाइट का लग रहा था कि ज्यादा ऊंचा ना हो जाए कि सर बजे, पर देख लो भाई स्कॉर्पियो की हाइट जो है वो अच्छी खासी है कि मैं लगभग 4 इंची मोटे गद्दे पे ऊपर बैठा हूँ, फिर भी मेरे सर के बीच और इसके बीच में अच्छा खासा गैप है। तो किसी को वो ये भाई देखो बैठ के जाना हो पीछे बैठ भी सकता है आराम से, इस तरह से यूं पैर फैला लो, या फिर लेट ना हो तो आराम से लेट भी जाए। पर अब ये थोड़ा ढलान जो आई है ये सही करवानी है। तो ये देखो 2 इंची की सीट है ये, अभी लगा के देख रहे इसके बीच में पूरी 2 इंची लगी। ये एक पट्टा यूं चलेगा, एक पट्टा यूं चलेगा, फिर जाके जो है ये लेवल पे आएगी स्ट्रेट। तो ये हल्का सा उठ रहा है, ये कम होएगा। अब देखो भाई ये लगने के बाद कहीं नहीं दबेगा, यहाँ तक लगेगा ये पूरा। अब सही है, ऐसे इधर लग जाएगा। हाँ ठीक है, बीच में हाँ ये पूरा ही आएगा। फिर ये वाली तो जो पट्टी है ना, ये तो पूरी चलने देना एक लंबी, और ये 2 टुकड़ों में लगा देना। मेन तो इसका डर था भाई की एसी की हवा ना रुके, बट ये पूरा परफेक्ट कट आया। अभी हम इसको थोड़ा और आगे ले सकते थे, बट ठीक है फिर भी इतना कट। पीछे तो भाई मजे से आ जाएंगे, ऐसे लेट के जाओ कोई दिक्कत ही नहीं। तो इतना ही है, अब ये कवर करना है बस हमें गैप, और उसके बाद सीट डन है। चलो भाई चलो, समझा दिया अच्छे से सब मस्त। कोई भी अभिषेक ने चलाई तो मैं पीछे सो जाऊंगा, मैंने चलाई तो अभिषेक पीछे सो जाएगा। मतलब नींद भी आ रही होगी तो मस्त रेस्ट करेंगे, और अगर दोनों को ही नींद आ रही है गाड़ी चलाते वक्त तो हम दोनों सोएंगे नहीं, गाड़ी को साइड में लगाएंगे फिर आराम से रेस्ट करेंगे। ये नहीं भैया कि चलाते चलाते ही सो गए और एक्सीडेंट हो जाएगा। The next day. चलो भाई आज नेक्स्ट डे है और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। फाइनली चल के देखते हैं अपना दोनों सामान रेडी हुए या नहीं हुए। ज्यादा एक्साइटेड तो मैं वो लास्ट वाले उसके शेल्फ के लिए हूँ, क्योंकि गद्दा तो ऑलमोस्ट कल दिख ही गया था हमें कि ऐसा लगने वाला है, बट मेन है वो शेल्फ कैसे बन के निकला है वो पता चलेगा। क्योंकि एक में टूल किट वगैरह अच्छे से हमारे सारे जितने भी स्क्रूज एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, हाइड्रोलिक जैक हो गया, टायर इन्फ्लेटर हो गया, वो आ जाएगा। और जो लास्ट वाली ड्रोर है ना, ऐसे दराज खुलती है, उसमें हमारे बर्तन वर्तन और थोड़े इंडियन मसाले रख लेंगे कि रस्ते में कुछ बनाना पड़ जाए वगैरह, क्योंकि बहुत सामान हमने लिया है प्रॉपर। आप ना अनमोल गैराज चैनल पे देखना, वैसे अनमोल गैराज पे ही देख रहे हो सच्चा। तो हाँ हम एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर जिसमें गाड़ी में क्या क्या कैरी कर रहे हैं ना एग्जैक्ट एंड वाले डे की, वो सब आपको पता चल जाएगा। 22 अप्रैल को हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो वो वाली वीडियो का वेट करना, उसमें आपको पता चलेगा भाई बहुत तगड़ा सामान कैरी हो रहा है गाड़ी के अंदर। अब जाके देखते हैं एग्जैक्ट वैसा बना या नहीं बना जैसे मैंने सोचा था। एक गुड़गांव में ना झाड़सा करके एरिया है, यहाँ पर हमने बनवाया था। दोनों ही शॉप यहीं पे ही है, वो फर्नीचर वाली भी और गद्दी वाली भी, दोनों ही काम अपने ना बिल्कुल आमने सामने हो गए, दुकानें बिल्कुल सामने सामने ही है। हो गए होंगे दोनों तो मस्त मजा आ जाएगा। बाकी कोई नहीं, आज शाम तक भी कहेंगे तो मैं शाम को लगवा दूंगा, बट आज हो जाएगा फाइनल जो भी। लो भाई पहुंच गए, ये तो फर्नीचर की रही। हो गया अंकल जी? हो गया, बाद में आऊं। मैं कह रहा हूँ हो गया या थोड़ी देर में? हो गया, वो उसमें सिर्फ कपड़ा लगना बकाया है, वो लड़का अच्छा। भी आ रहा है सोफा वाला। ठीक है, वो उसमें कपड़ा लगा रहा है। तो शाम को ही आ जाऊं ना फिर? शाम को आ जाओ, रेडी है ना बाकी? तो ठीक है, मैं शाम को ही आता हूँ। चलो भाई, जो वो शेल्फ है उसमें सिर्फ कपड़े का काम रह गया, बाकी गद्दी देखता हूँ। गद्दी तो शायद बन गई होगी, तो वो तो उठाता ही जाऊँ एक बार मैं। देखो वो सामने वाली शॉप है गद्दी की भाई, बिल्कुल आमने सामने है दोनों दुकानें, एंड मेरे ख्याल इन्हीं से ये कपड़ा भी लगवा रहे हैं, उसी में इन्हीं भैया से। लेट्स सी भाई, लोग होगी भैया गद्दी रेडी? हो गई रेडी? क्या नहीं हुई अभी? कब तक करोगे? शाम नहीं ना, ज्यादा लेट नहीं करना। पैर को चाहिए थी, मैंने तो बोला था भैया को। ये गद्दी तो अभी हुई नहीं मेरे ख्याल लगाना ऐसा। भाई दोनों ही काम नहीं हुए, ये भी अभी बचा हुआ है थोड़ा, तो वही 6-7 बजे आना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं ऑफिस चला जाता हूँ,
और वहां पे अपने शूट्स वगैरह निपटा लूंगा, उसके बाद शाम को एक बार चक्कर लगा लेंगे यहाँ का 7-8 बजे। Later that same evening. चलो जी चलो, 7 बज चुके हैं, ऑफिस का काफी हद तक काम हो गया है, बट एक्साइटमेंट हो रही है भाई, गाड़ी में जो सामान लगने वाला है ना उसकी ज्यादा। फटाफट बग के लगवा के आता हूँ, जरा देखिए तो सही कि ऐसा फाइनल आउटपुट आया है। भाई साहब गुड़गांव में इतना जाम लगता है ना ये 6-7 बजे के आसपास, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है तो भसड़ मच जाती है और ज्यादातर आपको कैब ही दिखेगी इधर उधर। बट आप भाई मुझे ये बताना, अगर आप में से कोई रहता है ना यूरोप में या फिर किसी भी अपना यूके में कहीं, इतना ही ट्रैफिक वहां भी लगता है क्या भाई सिटीज में? मेरे को तो लगता है वैसे नहीं लगता होगा, मेरे हिसाब से तो वैसे इतना ट्रैफिक नहीं लगता होगा क्योंकि वहां पे ट्रैफिक रूल्स भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब लोग ढंग से चलाते हैं, लेन में ड्राइव करते हैं। फिर भी आप में से होना कोई वहां पे रहता हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्या हाल है, सिचुएशन क्या है वहां पे ट्रैफिक की, ईरान में भी, टर्की में भी। दुबई में तो मैंने देखा इतना जाम नहीं लगता, बाकी यूके यूरोप में देखना है मेन तो जाके। यहाँ तो भाई साहब ऐसे 10-10 किलोमीटर जाने के लिए ना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और मैं अभी गूगल मैप पे चेक कर रहा था भाई, यूरोप में आप मतलब 100 किलोमीटर 1 घंटे में निपटा सकते हो, मतलब 100 की स्पीड से एवरेज। अपना जर्मनी का ऑटोबान एक्सप्रेस हाईवे है जो, वहाँ पे तो स्पीड लिमिट ही नहीं है, 120-30-40 चलाओ भाई साहब। तो वही है, पता नहीं, देखते हैं अब जाके क्या एक्सपीरियंस रहेगा, आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे अपनी इंडियन ब्रांड महिंद्रा स्कॉर्पियो वहाँ की सड़कों पे ऐसे दौड़ रही होगी। मेन तो है भाई मेरे को कि यूके की सड़कों पे चलाना है, जो उन्होंने हमारा राज किया ना इतने साल इंडिया पे, वहां पर अपना इंडियन ब्रांड जाके दिखाना है लोगों को, वहां पे जो गोरे लोग होंगे ना उनके रिएक्शन भी लेंगे भाई कि क्या रिएक्शन है उनका HR26 की गाड़ी देख के। यार उनको पता नहीं होगा HR26 कहाँ का नंबर है, बट ये होगा कि हाँ इंडिया से गाड़ी आई है भाई और इंडियन ब्रांड की गाड़ी आई है, सोचो। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। यार बस हम पहुंच ही गए हैं जाट साहब में और लेते हैं अपना सामान। गाड़ी में मैं जो अभी एडिशनल चीजें करवा रहा हूँ ना भाई, बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं थी, एंड मोमेंट पे ऐसे दिमाग में आया और एग्जीक्यूट हो गया, और अब भाई फाइनली आ भी गया प्रोडक्ट बनके। मतलब ना बहुत जल्दी जल्दी में एंड में चीजें करवाई गई है। मेन देखो ट्रिप का फाइनल था 2 साल से और 1 साल से तो तैयारी चल रही थी, बट ये छोटे मोटे चेंजेस की बेड बनवाएंगे, किचन सेट बनवाएंगे लास्ट में, ये सब नहीं था कुछ भी। बट दिमाग चला, मैंने कहा भाई इसको कैंपर वैन बना देते, पूरा मजा आएगा यूरोप में चलाने का फिर गाड़ी। The next morning. यार कल रात को मैं आया था लेकिन फिर से कुछ साइज को लेके चेंजेस थे तो इसलिए वापस से देनी पड़ी। अब आज जाके फाइनली जो है अपनी गद्दी भी बन चुकी है और वो बॉक्स भी बन चुका है, अब लगा के देखते हैं, होपफुली कोई दिक्कत ना आए तो बढ़िया है। दिन में वैसे भी अच्छे से आपको भी दिख जाएगा, वरना दिख नहीं पाता ना। लगाओ जी भैया, लगा दो। सीट आके करनी पड़ेगी हल्की सी, ये तो बहुत पीछे है। ये देखो भाई अब जाके जो है फाइनली भैया भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना भाई, यहाँ से तो ऊपर उठ रही थी लेकिन यहाँ से नीचे दब रही थी। अब यहाँ पे कितने 5 इंची बनी है ना, इतना अब यही करना था हमें। हमारे प्रॉब्लम क्या थी, ये सीट ना ऐसे स्लैंट थी तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ रहा था, तो सिर्फ ना इस हिस्से को पतला रखना था। बट भैया ने पहले क्या कर दिया था, इसको तो ऊंचा कर दिया, इसको और इसको दोनों को पतला कर दिया था। अब इसको हमने मोटा करवाया ना तो ये पूरा फ्लैट हो गया। अब इसके ऊपर भाई आराम से लेटा जा सकता है क्योंकि कमर में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फ्लैट है ये। चाहे इधर होके लेट जाओ, चाहे इधर होके लेट जाओ, तो आराम से एक बंदा तो पैर फैला के मस्त लेट जाए। सही है, बढ़िया, सही है। चलो जी चलो, एक काम तो परफेक्शन के साथ हो गया है। बॉक्सेस का पता करते क्या सीन है, बॉक्स यहीं पड़ा है, इन्हीं से भैया ने कपड़ा लगवाया ना क्योंकि बॉक्स में, तो फिर वो ले गए। चलो पेमेंट क्लियर करते और निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी, आज बहुत काम है भाई, कल सुबह फिर एक दिन हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। तो ये देखो भाई अपना बॉक्स भी बन के रेडी है, कपड़ा वपड़ा लग चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये वाला ड्रॉर है हमारी टूल किट के लिए, इसमें सारे टूल्स आ जाएंगे मस्त एकदम। और ये जो स्लाइडिंग है इसमें हमारे कुछ वैसा सामान आ जाएगा, बर्तन वर्तन, जैसे यहाँ चम्मच रख लिए, प्लेट्स रख ली और कप वगैरह रख लिए, ग्लास रख लिए। तो रस्ते में ना ट्रिप के दौरान मस्त खोला और सामान ले लिया, तो उस सोच के साथ ये काम करवाया गया कि एक हमारी ये जो स्कॉर्पियो है ना पूरी कैंपर वैन बन जाए। इंडिया जी भी कि जब हम इंडिया भी वापस आए ना तो लद्दाख स्पीति का टूर मारे इसी गाड़ी में, और पूरा रस्ते में कैंपिंग करते हुए गद्दे पे सोते हुए मस्त जाए ना, तो एकदम चंगा काम हो जाएगा। बट भैया चले कहां गए पता नहीं, फटाफट लगवाते हैं, पेमेंट करते और निकलने आओ। सीधा सीधा ले लो, हाँ सीधा बिल्कुल, ये एक मिनट टूल किट निकाल लो। चलो जी जाने दो भैया, सीधा सीधा, कोई नहीं जान दो जान। लो भाई चला गया। तो उस दिन ना इसमें एक दिक्कत थी कि ये यहाँ पे क्योंकि गैप है ना तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था ये। अब इसके नीचे हम कुछ लगा रहे हैं, ये लीक हो रहा है अभी, थोड़ा साइड में ही रख दो, सीधा सीधा रखना, लीक हो रहा है। तो इसके नीचे एक कुछ बनवाया है हमने, उसमें लग जाएगा ना तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। इस तरह का लकड़ी का स्टैंड सा बनवा लिया। अब ये इसके नीचे ये ज्यादा नहीं हो गया, ये देखो भाई ऐसे चला गया। अब जो है वो ये बार बार ऐसे नहीं होगा, थोड़ा और अंदर कर दो दिखे ना। बाकी ये लेफ्ट स्पेस हम यूज कर सकते हैं, राइट स्पेस भी यूज कर सकते हैं, जैक वैक डालना हो कुछ भी
और टूल किट की तो जगह है ही, और इसके ऊपर अब आराम से अपना लगेज आ जाएगा, सूटकेसेस चार पांच जितने भी हमें ले जाने हैं, तो मस्त हो गया एकदम। ठीक है भैया ये रख दो एक बार। एंड देख लो भाई साइज वाइज बिल्कुल ढंग से किया गया, यहाँ भी थोड़ी जगह बच गई है, हम सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये जो ड्रोर है ये भी देख लो कहीं भी नहीं अटक रहा, ना यहाँ पे अटक रहा है ना इधर की साइड कहीं अटक रहा है, आराम से स्मूथ ऑपरेशन है पूरा। तो चलो जी डन हो गया, बढ़िया काम है भैया एकदम। ये पहला गाड़ी का पहली बार बनवाया किसी ने? वैसे बना दोगे अब और कोई आएगा तो, है ना? ठीक है, तो ये अपना झाड़सा में ही है, श्री लक्ष्मी टिम्बर एंड ट्रेडर्स। भैया के पास ले आना अपनी गाड़ी, कुछ भी बनवानो, कैंपर वैन बनवानो, कुछ भी सब बना देंगे भैया। और सबसे बढ़िया है कि जल्दी बनवा देंगे, क्योंकि हमारा भी काम ये एक दो दिन के अंदर अंदर हुआ है। तो ठीक है अब पैसों की बात करते हैं थोड़ा। तो भैया से सारी बात हो गई है, मुझे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, बट भैया कोई इतना ही साइज का बनवाना चाहिए, कितने का बनाओगे? कम से कम 15,000। 15,000 में पल्ले वल्ले सब बन जाएंगे ना, और बाकी आपकी जो भी गाड़ी है उसके हिसाब से डिजाइन कट आउट होगा पूरा साइज वाइज, तो उस हिसाब से पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, छोटी गाड़ी है तो कम हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी है तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है भैया मिलते हैं ट्रिप से आके चार महीने बाद। ये आपने बनाया ये? अच्छा हाँ, ये दूसरे लोग को जिन्होंने बनाया। अच्छा सही है, काम अच्छा हुआ, बढ़िया है। ठीक है हाँ, थैंक यू भैया, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल डन है। तो स्कॉर्पियो भाई रेडी हो गई है, पूरा कैंपिंग वैन बन चुकी है अपनी, अब फटाफट इसको लेके निकलते हैं। और आज जो है वो ब्रांड्स के स्टिकर्स भी लगवाने हैं मुझे फाइनल, तो वो भी लगवा के उसके बाद गाड़ी रेडी हो जाएगी, फिर हम ऑल सेट टू गो है। चले जी फटाफट। ठीक है भैया, ओके बाय बाय। ओके भैया। भाई चार महीने बाद मिलना होगा सीधा, मतलब इंडिया से दूर चार महीने, फट भी रही है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी होने वाली है ट्रिप, एंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होने वाली है। तो ठीक है भाई, वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, आप लोगों के साथ हम पूरा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू शेयर करेंगे। और काफी लोगों के ईमेल और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि अनमोल भाई हम जर्मनी रहते हैं, हम यूके रहते हैं, हमारे घर आना जरूर। घर तो नहीं आ पाएंगे शायद हम, बट मिलेंगे जरूर भाई आप, जिस कंट्री में हमारे पास टाइम होगा ना उस कंट्री में हम हो सकता है मीटअप भी अनाउंस कर दे। बाकी यूरोप थोड़ा कट टू कट चल रहा है, क्योंकि आपने अगर इंडियन बैकपैकर चैनल पे देखा होगा तो हमें 30 दिन का ही वीजा दिया यूरोप वालों ने, जबकि हमने अप्लाई किया था 82 डेज का, तो वो थोड़ा सा सीन हो गया था। बट ठीक है भाई, एडजस्ट कर लेंगे, मिल लेंगे आपसे बिल्कुल, है ना, बातचीत करेंगे वहाँ पे, वीडियो बनाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे। ज्यादातर मेरे को लग रहा है स्टूडेंट्स ही होंगे जो यहाँ से पढ़ने गए हुए बाहर, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो सेटल हुए पड़े हैं वहाँ पे यूके से भी, मेरे पास बहुत ईमेल्स आए हैं। सही है भाई, हर देश में अपने सब्सक्राइबर्स या जानकार मिल जाएंगे, तो कुछ भी पंगा वंगा होता है तो मदद के लिए सपोर्ट रहेगा। बाकी अभी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कैसा लगा आपको पूरा कैंपर वैन हमारी स्कॉर्पियो वैन को जो हमने बना दी है, उसका बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय।